आपको जंतर मंतर आना चाहिए। मैंने निर्दलीय कैंडिडेट के नाते एक लोकसभा नामांकन मैंने किया था, तो उसमें मैंने एक घोषणा पत्र जो दिया था उसके साथ एक एफिडेविट दिया था। एफिडेविट में मैंने ये कहा था कि साहब अगर मैं अपने जीतने के बाद घोषणा पत्र पे अगर मैं काम नहीं कर पाऊँ तो मुझे 10 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाए। तो उनको जो फाइल चेक कर रहे थे मीटिंग रूम में, तो उन्होंने बोला भाई ये आप लिख के क्यों दे रहे हो। तो मैंने कहा सर ये मेरी इच्छा है, दिली इच्छा है कि मैं देश के लिए काम करना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैंने इससे पहले निर्वाचन आयोग को कर्नाटक चुनाव में कहा था कि आप जितनी भी पार्टियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं या जितने भी कैंडिडेट इसमें कर्नाटक चुनाव में भाग ले रहे हैं, आप उनसे कहिए कि नामांकन प्रक्रिया तभी पूरी होगी जब आप अपने घोषणा पत्र को रजिस्टर्ड करा के दें, और रजिस्टर्ड कराने के साथ साथ एक एफिडेविट रजिस्टर्ड करा के दें कि अगर हम जीतने के बाद घोषणा पत्र पर काम नहीं कर पाए तो हम 10 साल के लिए निष्कासित कर दिए जाएं, कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ सकें। उन्होंने वो बात नहीं मानी, फिर 5 राज्यों के चुनाव हुए, तो मैंने वो एप्लीकेशन और एक रिमाइंडर फिर मैंने उनको रिमाइंड कराया निर्वाचन आयोग को कि प्लीज़ अब आप तो मान लीजिए आप। उन्होंने तब भी नहीं माना, तब मेरे को ये एक्सपेरिमेंट खुद करना पड़ा कि मैं निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा होके तो अपने हिसाब से तो मैं कर सकता हूँ। तो मैंने वही किया कि मैंने घोषणा पत्र बनाया, घोषणा पत्र के साथ साथ एक एफिडेविट उस पर लगाया और मैंने रजिस्टर्ड कराया, ओथ कमिश्नर से रजिस्टर्ड कराया, और रजिस्टर्ड कराने के बाद मैंने वो सबमिट कर दिया। तो उस पर इनको ऑब्जेक्शन हुआ कि आपने ऐसा क्यों लिख के दे दिया कि आप सैलरी नहीं लेंगे, आप पेंशन नहीं लेंगे, आप सांसद मनी नहीं लेंगे और क्षेत्र का विकास करके दिखाएंगे, तो 543 MP में आप अकेले नज़र आएंगे। तो मैंने कहा सर इसमें तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि अगर भारत के सेवा के लिए मैं अगर काम कर रहा हूँ और कोई प्रथा मैं चला रहा हूँ, कि मैंने निर्वाचन आयोग को 2 बार कहा, 2 चुनावों के टाइम पे कहा और उन्होंने वो बात नहीं मानी, और मैं खुद स्टार्ट अगर करना चाह रहा हूँ तो इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप इसको प्लीज़ लगा दीजिए। उन्होंने वो लगा तो दिया, लेकिन जो 22 तारीख को मेरे को इन्होंने कुछ डिस्क्रिपरेंसी निकाल के दी और राइटिंग में दी, मैं उनकी संख्या और उनके पेपर हैं मेरे पास सारे, तो मैंने कहा सर ठीक है, बोलेंगे 23 तारीख को 3 बजे तक आप इसको जमा करा दें। नेक्स्ट डे मैंने उनको 12:30 बजे जाके जमा करा दिया, सारी चीज़ें जमा करा दी। अब 24 तारीख को जब मैं गया तो इन्होंने एक नई कमी निकाली और कहा कि आपका नॉमिनेशन साइन नहीं है। मैंने कहा सर मैंने 50 पेज वहाँ सबमिट किए हैं, आप मुझे एक भी पेपर ऐसा बता दें कि जो मेरा साइन नहीं है, आप उसको बताएं तो सही। और आपको पता है कि जब ओथ कमिश्नर रजिस्टर्ड साइन करता है कोर्ट में तो वो बिना मेरे साइन किए हुए पहले जब तक मैं साइन नहीं करूँगा तब तक वो साइन नहीं करेंगे। तो मैंने कहा सर कोई भी एक सिंगल पेज भी आप मेरे को दिखा दें कि मेरा अगर साइन नहीं है तो। बोले ऐसा है, ज़्यादा मैं आपसे बात बहस नहीं करना चाहता, आपका रिजेक्ट हो चुका है, आप बाहर जा सकते हैं। जब उन्होंने ऐसे कहा तो मैंने कहा सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आप मेरे से, मैं कैंडिडेट हूँ, मेरी इज्जत है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो बोले आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत है तो आप कोर्ट चले जाइए। मैं सर कोर्ट जाके क्या करूँगा, कोर्ट में तो इतना वैसे ही बहुत ज़्यादा काम का लोड है, तो मैं कोर्ट जाके क्या करूँगा, आप मेरे को गलत सलाह क्यों दे रहे हैं। कि जो पावर आप इस्तेमाल इसके लिए कर रहे हैं वो पावर आप सही तरीके से इस्तेमाल कर लीजिए, और जो इसमें मेरी अगर कहीं गलती है तो मेरे को बताइए। 22 तारीख को आपने जो मेरे को राइटिंग में लिख के मेरे को डिस्क्रिपरेंसी दी हैं वो मैंने सारी पूरी की हैं, अगर आप इस डिस्क्रिपरेंसी को भी अगर मेरे को लिख के दे देते तो शायद मैं इसको भी पूरी कर देता। ये साइन करने में मैं तो जीता जागता आपके सामने बैठा था, का आप मेरे से अगर कहते तो मैं साइन नहीं करता क्या, मैं उसको भी साइन कर देता। लेकिन उन्होंने मेरी कुछ नहीं सुनी और बोला कि आप सीधे कोर्ट जाइए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो मैं फिर निर्वाचन आयोग को मेल किट वाला संपर्क किया, उनको डाली, फिर निर्वाचन आयोग से भी कोई मेरे पास आए थे कैमरा लेके, उन्होंने भी फ़ोटो वगैरह सब ली, मेरी रील भी बनाई। उसके बाद मैंने हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में भी मैंने एक एप्लीकेशन डाली हुई है, उसके बावजूद भी मेरी आत्मा में तसल्ली नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर जंतर मंतर पे ये एक थोड़ा सा और एक मीटिंग कर लूँ। तो इसके लिए आप किससे अपील करने आए हैं? मैं यहाँ पर राष्ट्रपति से अपील करने आया हूँ कि राष्ट्रपति महोदय आप निर्वाचन आयोग को संभाल सकते हैं, आप भारत के प्रथम पुरुष हैं, आप कम से कम न्याय करें हमारे साथ।
कि इस तरीके से अगर निर्दलीय उम्मीदवार को कुचला जाएगा तो जो उसको भारत के प्रति प्रेम है, जो कुछ करने की उसके अंदर तमन्ना है, वो सब धूमिल हो जाएगी, वो कुछ नहीं कर पाएगा। और पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियां ही, राजनीतिक पार्टियां ही लेके बस जनता को गुमराह करती रहेंगी। मेरे अंदर बहुत कुछ करने की इच्छा है, मैं काफ़ी सोचता हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं कि जो मैं भारत के लिए काम करना चाह रहा हूँ, लेकिन इन्होंने जब मेरे को यहीं पे पहले स्टेप पे ही रोक दिया है तो मुझे बहुत क्षोभ हो रहा है इस बात का। और मैं राष्ट्रपति जी से यही कहूँगा कि आप इस चुनाव को जो ईस्ट दिल्ली का है उसको आप पोस्टपोन्ड कर दें, और पोस्टपोन्ड करके नामांकन दोबारा कराए जाएँ, क्योंकि वहाँ पर पक्षपात हुआ है। हम लोगों के तो मोबाइल वहाँ पे एंट्री करते ही रजिस्टर में एंट्री करा के और मोबाइल बंद करा के रख लिए गए, और जब अंदर जाके देखा तो आतिशी वहाँ फॉर्म भर रही थी, उनकी ग्रीवेंस वो पूरी करा रहे थे, और मनीष सिसोदिया जी टेलीफोन पे मोबाइल पे लगे हुए थे। तो मुझे देख के वो फिर मुस्कराए, तो मैं भी मुस्कराया, भाई मैं ठीक है, वो एक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली सरकार के, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि मेरे तो मोबाइल इन्होंने अंदर रखा लिए, और ये जो कैंडिडेट के साथ आए हैं, कैंडिडेट के साथ ही आए हैं, उनकी कोई पदवी तो नहीं है उस समय, तो उनका मोबाइल वो अंदर भी बैठे हुए बात कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी जो अनियमितताएं हैं उनको देखते हुए उस आरओ जो बैठे हैं ईस्ट दिल्ली के, उनको निरस्त करते हुए और दोबारा से ये नामांकन प्रक्रिया चालू की जाए और उस सीट के लिए दोबारा चुनाव कराए।